सर, हमारी ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये है क्या और क्या ये आज़ाद है? किसी हुकूमत ने इसको संजीदगी से लिया है? मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब तो दूंगा कि आज़ाद होती तो आज हम वहाँ ना होते जहाँ हैं। लेकिन ये इससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, क्योंकि अवाम उन्नास के जहनों में तासर ये है कि खारजा पॉलिसी जो होती है वो बिल्कुल उसी तरह की पॉलिसी होती है जिस तरह दूसरी पॉलिसियां होती हैं। इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, एक्सपोर्ट पॉलिसी हो गई, स्टेट बैंक की पॉलिसी होती है और इस तरह हर महकमे की पॉलिसी होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाती है और ये हुकूमतों की पॉलिसियां जो होती हैं वो अपडेट होती रहती हैं हर साल अपने हालात के मुताबिक। लेकिन खारजा पॉलिसी उस किस्म की पॉलिसी नहीं होती। इनफैक्ट खारजा पॉलिसी लिखी हुई कहीं पर है ही नहीं। अच्छा सर, ये ज़रा सुन लीजिए, आप समझ लीजिए, इसका ना तो मुसव्वदा है कोई, ना कोई स्क्रिप्ट है खारजा पॉलिसी का। ये मैं आपसे बात, ये 40 साल जो मेरा तजुर्बा है खारजा पॉलिसी का, मैं उसकी बिना पर कह रहा हूँ। खारजा पॉलिसी, क्योंकि जब मैंने फॉरेन पॉलिसी ज्वाइन की थी या मेरे फॉरेन सर्विस के दूसरे कुलीग ने, हमें किसी ने कागज़ का एक टुकड़ा या कोई किताबचा नहीं दिया कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी। देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन है मसलन, वो तो है ना लिखी किताब, लेकिन खारजा पॉलिसी पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं पढ़कर फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। वो चीज़ और है कि जो किताबें लिखी जाती हैं, लोग लिखते हैं, जिस तरह मैंने लिखी है। तो सर, ये डिज़ाइन कौन करता है? ये बातें समझने वाली हैं। हाँ, यही तो चीज़ें, ये हैं सवाल असल। अच्छा, तो फॉरेन पॉलिसी होता क्या है? फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अमूमी सतह पर तो ये है, आम सेंस में वो ये है कि वो कौमों का हंसता खेलता चेहरा होता है फॉरेन पॉलिसी, जो वो कौमें अपने कंधों पर रख लेती हैं बाहर की दुनिया को एक अच्छा तासर पैदा करने के लिए अपने बारे में, मेल मिलाप वाला, हंसने वाला, सेहतमंद, अगर आपकी सेहत है तो सेहतमंद चेहरा, तो ताल्लुकात बनाने में मदद करने के लिए ये एक हंसता खेलता चेहरा है। लेकिन इससे हटकर जो असल इन एसेंस फॉरेन पॉलिसी ये होती है, इट इज़ द सम टोटल of the national interests of a state that it must preserve and protect in order to remain independent, sovereign, prosperous or politically stable or economically strong. बस ये खारजा के, आप खारजा पॉलिसी जब तक आप अपने कौमी मफादात को मजबूती से पकड़े हुए हैं, तहफ्फुज़ कर रहे हैं उनका, दुश्मनों का तो काम ही है कि आपके कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाना, कि आपको कमज़ोर किया जाए। तो आपने, जब तक आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, कौमी मफादात क्या हैं, अपनी मईशत को बेहतर करें, अपने मुल्क के अंदर अच्छी हुक्मरानियत हो, लॉ एंड ऑर्डर हो और आप अपने कदमों पर खड़े हों बजाय भीख मांगने के, तो ये सब चीज़ें मिलकर खारजा पॉलिसी होती है। और जब आपके यहाँ अंदर से आप टूट फूट का शिकार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, गुरबत हो, फिर वो आप एक ऐसे भिखारी का हुलिया आपका बन जाता है जिसमें आप भीख मांगते हैं दुनिया से। तो दुनिया से जब भीख लिया जाता है, वो फिर आपका ना कोई कौमी तशख्स रहता है, ना कौमी वक़ार रहता है, तो वो फिर उसको कहते हैं कि कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती ऐसे मुल्कों की। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ अमेरिका लोग बहुत अहमियत देते हैं और देनी चाहिए, अमेरिका बड़ी ताकत है, लेकिन जो अमेरिका के पहले सदर थे जॉर्ज वाशिंगटन, जो 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ है उसके बाद वो सदर बने थे, उन्होंने जब अपनी टेन्योर पूरी की 1796 में, तो कांग्रेस को एड्रेस करते वक्त जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बात कही थी जो शायद वो 200-250 साल बाद आने वाले पाकिस्तान के लिए एक नसीहत छोड़ी थी उन्होंने, और वो ये थी, वो थी उस वक्त तो नसीहत उनके अपने मुल्क के लिए थी, क्योंकि वो भी आज़ादी की एक तहरीक चला रहे थे, वो तो बाकायदा बरतानिया के खिलाफ एक स्ट्रगल करके आज़ादी हासिल की थी अमरीका ने। तो उन्होंने ये कहा था, नेशंस दैट लीव देमसेल्व्स at the mercy of other powers do not remain sovereign independent states.
वो फिर रियासतें नहीं रहती हैं, वो उनका सेटेलाइट बन जाती हैं। और अगर वो इफ़ दे कंटिन्यू टू सीक डिसइंटरेस्टेड फेवर्स फ्रॉम द सेम पावर्स देन दे लूज एवरी फ्रीडम ऑफ एक्शन, यानी फिर वो उनको फैसले करने का भी हक नहीं रहता है। ये जो एक मशवरा था उनका, ये हम पर इतनी, हमने कभी अमल तो किए ही नहीं इस पर। हमने हमेशा अमेरिका की आंखों से इशारा देखा कि अमेरिका की ख्वाहिश क्या है, और वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती और हम वो कर छोड़ते हैं पहले। ये जो अभी हालिया दिनों में आजकल चला हुआ है ना कि अमेरिका ने साजिश की और रिजीम चेंज का, तो ये भी मैं अभी अक्सर कहा करता हूँ कि अमेरिका को साजिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान से डील नहीं करता, अमेरिका पूरी दुनिया से डील करता है। और उसके मफादात, वर्ल्ड वाइड मफादात जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं ऐसी हुकूमतों के साथ जो अमेरिका के पिट्ठू हों, जो अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक हमेशा काम करें। तो वो इस तरीके से वो पिट्ठू ममालिक पैदा करता रहता है, उसके तरीके जो हैं वो दबाव है, कोर्शन है, और या कुछ थोड़ा बहुत लॉलीपॉप दे के, मदद दे के, तो इस तरीके से वो अपनी हिमायत पैदा करता रहता है और इस तरह दुनिया को रूल करता है। तो जो खान साहब कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, उनकी हुकूमत गिराने के खिलाफ साजिश की गई है, वो इल्ज़ाम कितना दुरुस्त है? देखिए, वो अमेरिका की ख्वाहिश, अगर आप ख्वाहिश को कहें कि साजिश हुई है, वो और चीज़ है। मैंने कहा ना, साजिश वो होती है जिसका कुछ सबूत होता है और जो छुप कर की जाती है। अमेरिका ने तो आपके सफ़ीर को सामने बुला के, अपने समन करके उसको कहा कि हमें तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है, और ये तुम्हारे जो लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक ला रहे हैं, और अगर वो तहरीक कामयाब हो गई तो मैं ये कर दूंगा, अगर ना कामयाब हुई तो मैं ये कर दूंगा। उसने तो ये कहा, और ये तो ओपन धमकी दी है, तो कोई साजिश करने वाला इस तरह की बात करता है? मुदाखलत ज़रूर हुई है। अच्छा, इसको मैं कहा करता हूँ कि मुदाखलत हुई है। लेकिन मुदाखलत जो है वो अमेरिका का एक इस्तेहकाक है, प्रेरोगेटिव है। ये वो इस वजह से कि दुनिया में नंबर वन ताकत है अमेरिका तक, ना चीन और रूस भी जो हैं वो भी अमेरिका के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते उससे। तो खान साहब क्या कोई झगड़ा करने जा रहे थे? खान साहब यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, खान साहब ने तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उन्होंने अमेरिका को फिर खान साहब से क्या मतलब? नहीं नहीं, ये अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया सब, वो जो सफीर को बुला के, खान साहब तो यही कह रहे हैं ना, लोगों में ये नैरेटिव बन गया। खान साहब को निकाला तो अंदर से है ना, असल साजिश तो अंदर हुई है, साजिश हुई है, साजिश अंदर होती है। हाँ, ऑफकोर्स साजिश तो ये साजिश ही है ना, कि एक आदमी जिसके पास मेजॉरिटी है, उसके जो 25-26 मेंबर आप पैसे दे के खरीद लें और उनसे उस अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ वोट डलवा दें, तो साजिश तो हो गई है, और क्या चीज़ है? पहले जो लोग जाके खान साहब से आज़ाद उम्मीदवार थे या दूसरी पार्टीज के थे, वो भी तो खान साहब के साथ जाके मिल गए, तब वो लोग कहें कि तब भी साजिश हुई थी? नहीं, कब कब सर, मतलब पहले जब हुकूमत बनी है तो पीटीआई में भी तो इसी तरह के लोग इलेक्टेबल शामिल हुए हैं। ये पहले इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस वोट, तो मैं तो ये कह रहा हूँ वो जो चीज़ है ज्वाइन करना, वो और चीज़ है। ये ज्वाइन तो नहीं कर रहे थे ना, ये तो पीटीआई का हिस्सा रहते हुए उन्होंने वोट खराब अपनी पार्टी के खिलाफ दिया है। वो कहते हैं कि खान साहब की कारकर्दगी सही है, मैं तो खैर मैं अब इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, ये बहस आप दरअसल आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं इस वजह से इसमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जो कल्चर है, हमारी सकाफत ये है कि साजिश करने वाले हम खुद हैं, और हमारी बतौर एक कौम के एक सकाफत है साजिश करने की। अच्छा। और इसकी तारीख भरी पड़ी है इन साजिशों से। जब भी सेंट्रल एशिया से कोई हुक्मरान इन्वेडर आता था तो हम उसका इस्तकबाल दरियाए सिंध पर जाकर करते थे और उसका देखभाल करके, मेज़बानी करके उसको दिल्ली तक छोड़ते थे। ये हमें साजिश, हम अपने जो हुक्मरान यहाँ थे उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे ना, जब हम आने वाले लश्कर को खैर मकदम कर कर उनको दिल्ली में तख्त पर बिठाते थे। तो इसी तरह तो बाबर आया, मुगलिया बादशाह बने, बहुत से उधर से आए, नादर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, बल्कि मेरे जो बुज़ुर्ग थे एंसेस्टर वो अहमद शाह अब्दाली के लश्करों के सरदार हुआ करते थे वो, यानी तारीख पे। अच्छा। क्योंकि जो मेरे आबाई जगह पे हमारा एक किला है, हमारी हवेलियां हैं, वो एक एक हवेली की दीवार इस कमरे जितनी चौड़ी, तो वो अहमद शाह अब्दाली यहाँ आता था
तो मुकामी लोग जो थे कन्वर्ट होते थे, मुसलमान बनते थे और उनको वो अपने लश्करों का सरदार बना के सिखों और मराठों के खिलाफ जहाद करता था और उसके बाद इलाके काबू करके मुसलमानों में वो बांट के तकसीम करके खुद चला जाता था। यहाँ कभी नहीं रहा, लेकिन अफगान गवर्नर बना जाता था। मसलन यहाँ पे गवर्नर अफगान था उस वक्त 1799 और वो फिर उसके खिलाफ साजिश हुई, वो ऐसे हुई कि हमारे अंदरून लाहौर की, ये इसका जिक्र मैंने अगले रोज़ उस तकरीर में भी किया था कि उस वक्त फिर एक बहुत दुलेर सिख लड़का था जो घोड़े पे फेरा करता था गुजरों वाले का, वो यहाँ पूरे इलाके में मशहूर था कि बड़ा दुलेर सिख लड़का है। अच्छा। उसका नाम रंजीत सिंह था। तो वो फिर हमारे अंदरून शहर की हवेली के जितने भी बड़े मुसलमान लोग थे उन्होंने उसको बुला के कहा, साजिश की उसके साथ कि तुम ऐसे करना, रात को आना 12 बजे, दरवाज़ा हम खुला छोड़ देंगे, तुम आके शहर पे काबू कर लो और हो जाएगा। तो वो आया छोटा सा लश्कर लेके और उसने ये इन लोगों ने यहाँ से अंदरून हवेली के दरवाजे जो होते हैं ना, ये पहले इनके ये बाकायदा फसील हुआ करती थी, रात को बंद हो जाती थी ये सारा अंदरून शहर, उन्होंने खुले रखे। उसने लाहौर को काबू किया, लाहौर के बाद उसने ये के बाद दीगर पूरे पंजाब को काबू करके वो एम्परर बन गया यहाँ का। एम्परर उस वक्त सिर्फ मुगलिया ख़ानदान के थे और वो दिल्ली तक महदूद थे, ये एक नई एम्पायर बनी थी यहाँ, साजिश के ज़रिए बनी थी और वो हम लोगों ने साजिश की थी, ये पहली मिसाल है। उसके बाद सिलसिला चलता है, हम जब आज़ाद हुए तो उस वक्त लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अमेरिका गया तो अमेरिका ने उनसे कहा कि भई हमें तुम्हारी फ़ौज की ज़रूरत है, कोरिया में जंग हो रही है तो तुम एक दस्ता वहाँ भेज दो। उसने कहा मैं तो जंग नहीं लड़ूंगा, मेरे कायद का तो विज़न ये है कि अमन से हमने हक के साथ रहना है, पीस विद ऑल एनमिटी विद नन, तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये बात अमेरिका को नहीं अच्छी लगी। अब आप देखते जाइए इमरान खान का ना कहना एब्सोल्युटली नॉट जो है वो, उससे अमेरिका नाराज़ होता है ना, होता है, हुआ होगा, लेकिन उस वक्त भी नाराज़ हुआ। और जब वो वापस आ गया तो हमारे लोगों ने फिर कहा कि अब आप रूस चलते हैं जी वहाँ, अब क्योंकि अमेरिका तो नाराज़ हो गया। 2 हफ्ते बाद लियाकत अली खान ने रूस जाना था और उनको मार दिया जाता है 1951 में। तो अमेरिका ने तो नहीं मरवाया था, मारने वाले तो हम हैं ना, तो मर्जी, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका हमसे बड़ा नाराज़ है तो अमेरिका को खुश करना है, अपना प्राइम मिनिस्टर कत्ल कर दिया, हमने खुद किया। उसके बाद ये अब सुनते जाइए, भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनता है और वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनाने के लिए उसने प्रोग्राम शुरू किया है, अमेरिका को पसंद नहीं है। किसिंजर धमकी देता है कि तुमने ये सिलसिला ना रोका तो तुम्हारी हम मिसाल बना देंगे। भुट्टो ने नहीं छोड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम। नतीजा फिर ये हुआ कि भुट्टो वॉज आउस्टेड। तो भुट्टो की मिसाल भी आपको दे दी, ये रिवायत है हमारी तारीख में पूरी। उसके बाद ज़ियाउल्लाह आने के बाद वो फिर अफगान जंग में मसरूफ़ हुआ और अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक उसने वो जंग लड़ी जिससे कि सोवियत एम्पायर डिसमेंटल हुई। अमेरिका सदियों दहाइयों और लगा रहता तो सोवियत यूनियन को नुकसान ना पहुंचा सकता, तो अमेरिका को एहसास था कि सिर्फ सोवियत एम्पायर को अगर हमने ख़त्म करना है तो इस्लामिक जिहाद होगा। तो ये ज़ियाउल हक ने फिर वो जिहाद लड़ा, इन द सेंस के हमारे सारे मदरसे जो थे वहाँ के बच्चों को 12-13 साल के बच्चों को राइफलें देकर उनको जंग महाज पर भेजा और वो उन्होंने जिहाद लड़ा और सोवियत यूनियन बिल्कुल ख़त्म हो गया और वहाँ से निकल गया। तो अमन जो आया उसके बाद सोवियत यूनियन की सोवियत यूनियन एम्पायर डिसमेंटल हो गई, जिसको मगरब कहा करता था, ईवल एम्पायर। और फिर वो अमन ना अफगानों को नसीब हुआ ना पाकिस्तान को, हमने जिस तरीके से जो वाटरलू बनाया था अफगानिस्तान को तो उसका जो इतना मलबा था वो हम पर ही पड़ा, क्लाशनिकोव कल्चर हम आ गया, कुछ 5 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हमारे सर पर आ गए, वो अब तक हैं। तो ये जो अमन था अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन के निकलने के बाद, उसका डिविडेंड ईस्ट यूरोप को गया। यूरोप में जितने भी ईस्ट यूरोप था वो आज़ाद हो गया क्योंकि वो सोवियत तसल्लुत में थे और जमहूरियत आ गई वहाँ, बर्लिन की दीवार कोलैप्स कर गई, गिरा दी गई। तो
तो वो सब वहाँ आज़ादी की लहर हो गई। तो जितना फ़ायदा था उस जंग के खात्मे का वो सब औरों को मिला, हमें नहीं कुछ भी मिला। यानी साजिशें होती रही हैं, मर्जी दूसरों की होती थी, वही तो साजिश होती है कि उनके मुताबिक, और वो आपको बताते नहीं थे कि आपने ये करना है, अच्छा, वो करना है, वो सब हम खुद प्लान अच्छा, करते हैं। फिर यही नहीं हुआ, मैं उसके बाद कहता हूँ 1988 में ज़ियाउलहक का जहाज़ गिरा दिया जाता है, वो अमेरिका ने गिराया था। ये और चीज़ है कि अमेरिका की ख्वाहिश थी कि अब ज़ियाउलहक ने रोल प्ले कर दिया, अब ही शुड गो। व्यूअर्स, शमशाद अहमद खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं शमशाद अहमद खान साहब। खान साहब पर क्या करने जा रहे थे जिसकी वजह से अमरीका को खान साहब नापसंद? वो खान साहब सिर्फ एक थी उनकी, कुछ भी नहीं था। अब खान तो पहले दिन से बैठा था कि अमरीका मेरे साथ रब्ता करें, वो कोई रब्ता नहीं कर रहे थे, क्योंकि इमरान की पॉलिसी उनको पसंद नहीं थी। इमरान ने पहले दिन से कह दिया था कि मैं अब अमेरिका के कहने पर कोई जंग नहीं लड़ूंगा, ये थी बात। जब एब्सोल्युटली नॉट का मतलब है, वो उसने पूछा था कि तुम अपने बेसिस दोगे, उसने कहा नहीं दूंगा। असल कहानी तो वहीं शुरू होती है 60 में, जब हमारे लोगों ने अमेरिका का हाथ पकड़ा था, हमने इत्तेहादी बने 54 और 55 में, सीटो और सेंटो ज्वाइन करके हमने अपने मिलिट्री बेसिस दिए। यहाँ से अमेरिका के जहाज, स्पाइंग जहाज जो जासूसी होते हैं वो उड़ते थे, और U-2 जहाज कहलाते थे, वो सोवियत यूनियन के ऊपर नक्शाकशी बनाते, तस्वीरें बनाते थे, और फिर उनको मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अब वही चीज़ चाहते थे कि अफगानिस्तान में चूँकि तालिबान आ गए हैं, तो हमें तो यहाँ लड़ाई करनी, यहाँ से शिकस्त खा के निकल तो गए, लेकिन अब जो और तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी, क्योंकि सेंट्रल एशिया से नहीं जाना चाहता अमरीका। ये खत्ता अमरीका के लिए चीन और रूस के हवाले से बहुत अहमियत रखता है, तो अमेरिका अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके अपने मफादात, और ये नहीं सोचता कि हमने 40 साल से एक जंग भुगत रहे हैं, हमारे 70-80 हज़ार हमारे अपने लोग मर चुके हैं, अफगानिस्तान के तो खैर पता नहीं बीसियों लाखों आदमी मर गए। बताइएगा क्विकली कि ये जो पीटीआई के लीड रहा है या इसके सपोर्टर्स हैं, ये जो अमेरिका और फौज के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, मुझे ये कैंपेन मुझे नहीं पता ये चला रहे हैं या कौन चला रहा है। कोई हो सकता है कि इमरान के खिलाफ भी तो कैंपेन चल रही है ना। तो मकसद ये है कि ये क्या आपका ख्याल है कि जो पीटीआई के लोग हैं वो आराम से ये सुनते रहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ ये कहा जाए कि जी ये जो है ये इस मुल्क को तबाह करने वाला है? ये तो साजिशें चल रही हैं, एक से एक बढ़ के साजिश चल रही है। असल तो मसला यही है कि ये अवाम ने देखना है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, और ये मेरे ख़्याल में अब फैसला अवामी सतह पर होगा, क्योंकि मुल्क बहुत तकसीम हो चुका है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि आपकी जो मुद्दत है मुलाजमत थी उसमें ज़्यादा टाइम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, बिल्कुल तब सर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी से मुतमइन थे, बिल्कुल आप एहतराम करते थे सर, फिर अब लेकिन हमने देखा कि आप तो ज़रा खान साहब की तरफ, पीटीआई की तरफ आप कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, देखिए मेरी, मैंने काम किया है अयूब खान के साथ भी, मैंने काम किया है भुट्टो के साथ भी, मैंने ज़ियाउलहक के साथ भी काम किया है, मैंने जुनेजो के साथ भी काम किया है, बेनज़ीर के साथ भी, नवाज शरीफ के साथ भी, मुशर्रफ के साथ भी। हम लोग जो होते हैं फॉरेन ऑफिस में, हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल उस तरह होती है जिस तरह फौजियों की ट्रेनिंग होती है। अच्छा। हाँ, हमारा जो किबला होता है वो रियासत होती है, हमारी कमिटमेंट जो होती है वो मुल्क के साथ है, हम किसी शख्सियत को बिल्कुल उसके ना साथ होते हैं ना अगेंस्ट। हाँ, अगर वो हुक्मरान है तो हम उसको मशवरे देते हैं, हम फैसले नहीं खुद करते, लेकिन हम मशवरे देते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, और होता भी यही है, क्योंकि हमारी लेवल पर जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो हमारी लेवल पर होती हैं, फैसला फाइनल जो फैसले होते हैं, बनना पॉलिसी का एक चीज़ है, फैसले होना और चीज़ है। पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं टेक्नोक्रेट्स लेवल पर, वो चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लाहौर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बनाते हैं अंदरूनी पॉलिटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए फॉरेन ऑफिस में बनती हैं और आज फैसला होता है। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में था मैं उस पोजीशन में जहां मैं फैसले करने वाली पोजीशन में था, वरना तो मैं आम जो डिप्लोमेट होते हैं उस वक्त तो आप जूनियर लेवल पे होते हैं, उस वक्त आप कोई रोल नहीं प्ले कर रहे होते। उस वक्त मैंने किया है, और
चार या पांच बड़ी चीज़ें हुई हैं उस वक्त। पहली बात यह है कि अब वो मैं जाहिर है कि मैं तो जो भी हुक्मरान होता है हमने उस फेथफुली उसको सर्व करना होता है। वो चाहे कोई हो, चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, भुट्टो हो, ज़िया हो, बिल्कुल फेथफुली करते हैं। मैंने ज़िया के साथ भी उसी तरह क्लोजली काम किया है, भुट्टो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ मैंने बताया कि मैं तो उनके सब नोट्स लिया करता था और बहुत सीक्रेट चीज़ें होती थी उसमें। तो मेरा कहने का मकसद ये, हम किसी के साथ नहीं हमारी एफिलिएशन होती, ना कभी किसी के घर जाते हैं, ये हमारा उसूल होता है। और नवाज शरीफ के दौर में 3 सालों में मुझे नहीं पता था कि ये सब वाक़यात हो जाएंगे। पहली बात ये हुई कि ऑर्डर जो पहला नवाज शरीफ ने मुझे दिया, पॉलिसी उनकी होती, पॉलिसी हम बनाते हैं लेकिन वो सोच उनकी होती है। उन्होंने कहा कि शमशाद साहब इंडिया नाल डायलॉग शुरू करना है। अच्छा। मैंने कहा आप बताइए चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा 3 बातें। उन्होंने कहा कि डायलॉग रिज्यूम करें। अच्छा। और टेंशनें कम करवाएं और तल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। और कश्मीर, मैंने कहा कश्मीर, कहते कश्मीर पे कोई समझौता नहीं करना, बस मेरे लिए काफ़ी था। तो मैं मार्च, उन्होंने फरवरी में चार्ज लिया है, मैं मार्च में दिल्ली चला गया। अच्छा। और मैंने डायलॉग शुरू किया और मैंने अपने काउंटर पार्ट से हमने एक ऐसी स्कीम बनाई कि भाई हमने ये कब तक अपने मसले रखने हैं। आई वॉज एबल, लेकिन वो हमारा उस वक्त वहाँ राउंड मुनक़ते हो गया क्योंकि इंडिया का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, उनका प्राइम मिनिस्टर बदला गया। तो हम फिर वापस आ गए, दोबारा मैंने शुरू किया 10 जून में, और जून में हमने एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर लिया जिसको कहा जाता है कॉम्पोजिट डायलॉग। 50 सालों में पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में वाहद पीस प्रोसेस या पीस एग्रीमेंट वो उस वक्त हुआ था जून 1997 में, जो मैंने साइन किया था। और उसमें 8 नुकाती एजेंडा तश्कील दिया गया, हमने मैकेनिज्म दिया कि कैसे हमने चलना है। टॉप पे कश्मीर का मसला था, टॉप पर पीस, अमन और सलामती के मसाइल थे, ये 2 टॉप पर थे, बाकी 6 मसले सेक्टरी लेवल पर थे। तो ये दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा इवेंट था। कई चीज़ें होती हैं, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस वक्त भी सऊदियों ने कहा कि हम आपको इतना तेल देंगे कि आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन आपने किसी को बताना नहीं है। हम उस कैबिनेट में जो बैठे थे उन्होंने अमेरिका को फौरन बता दिया कि सऊदी हमें दे रहा है, और वो फिर बाद में उनको अमेरिका नौकरियाँ यूनाइटेड नेशंस में दिलाता था। मकसद मेरा कहता हूँ कि उनके लोग होते हैं जो प्लांटेड होते हैं। जब कहते हैं ना अमेरिका वो साजिश उसकी, करने वाले हम होते हैं, सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू उनकी तनख्वाहदार तबका होता है या उनकी वफादारी उनके साथ होती है असल चीज। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, व्यूअर्स आप सब देखने वालों का शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाजत अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।